अपने घर वालों को उठाया, फिर मैं थी पूरी एनर्जेटिक और मैंने अपने घर वालों के साथ पूरा खेला। उन्होंने मेरे को भगाया घुमाया, मेरी फिरकी पूरी बना दी, मेरे को भगा भगा के। फिर मैं अपने फेवरेट टॉय डोलो के साथ बहुत बहुत खेली। खेल खेल के मुझे लग गई भूख और मैंने खाया फिर इतना सारा खाना। फिर आ गई मुझे नींद, लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी मेरे बेड पे सोने के लिए। और फिर आखिर में जाके मेरे घर वालों ने मुझे थोड़ी बहुत जगह दी और इतनी बढ़िया नींद आ रही थी कि मेरे घर वाले आ गए मुझे उठाने के लिए। और फिर मेरे को आ रही थी इतनी ज्यादा नींद, लेकिन इन्होंने मेरे को खाने का लालच दे के मुझे उठा ही लिया। फिर क्या था, मालिश करो, इनके सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। इनकी मालिश भी, इनके मसाज भी, इनके सिर पे तेल लगाओ बोतल से, निकालो भी खुद और लगाओ भी इनके खुद। कोको अब क्या क्या तो करे, इनका काम करे या खुद का काम करे। फिर तो मैं थक गई और मेरे को आई फिर से मेरी डोली की याद और मैंने उसके चिथरे चिथरे कर दिए और उसको चीर फाड़ कर दी। और फिर मुझे लगी भूख और मैंने अपने घर वालों को प्यारी सी आंखें दिखा के खाना मांगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं और मैं फिर सो गई वेट करती करती। और फिर मेरे दिमाग में खुराफती आईडिया और मैंने चबानी शुरू करी घर वालों की चप्पलें और फिर जाके ना मुझे खाना दे दिया। यम्मी खाना खाके हम गए छत पे सैर करने। सैर करने के बाद फिर मैं आई और आते ही रुड़क गई और रात को खुली मेरी आंख और मैंने सोचा कुछ तो खुराफती करना बनता है। मैं गई सोफे पे बैग चबाने और घर वाले ने आकर मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और मेरे दिए दो चांटे और चक्के मुझे सोफे से नीचे फेंक दिया। और लेकिन मैं डीट की डीट, मैंने भी कहा तुम्हारे सामने चबा के दिखाऊंगी क्या चबा रही थी, देखो देखो। लेकिन घर वाले तो घर वाले ही होते हैं ना, उन्होंने दिया मेरे को एक चाटा और मेरा कान पकड़ के घुमा दिया और बैग उठा के कहीं ऐसी जगह छुपा दिया कि कहीं भी कोको ढूंढ ना पाए। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को दी गालियां और मैं मुंह छुपाने लायक नहीं रही, इतनी शर्मिंदा हो गई कि सोफे के नीचे मुंह घुसा के सो गई। बाय।